इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग लेके आ रहे हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप हो गया है तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है आज बोलने में। एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज मेरे घर में कुछ शुभ करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वैभव लक्ष्मी का उद्यापन, जो मम्मी जी हैं उन्होंने व्रत रखे थे तो आज वो उसका उद्यापन करेंगी, तो बस उसी की तैयारी जो है करने जा रही हूँ। अभी बच चुके हैं 4 बजे, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और किचन मेरा जो है वो क्लीन हो गया है, बर्तन मैंने धो के रख लिए हैं और बस खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। शाम को पूजा होगी उसकी और फिर करूँगी बाकी का काम, और छोट छोट काम जो है वो होते ही रहते हैं। दिवाली की सफाई भी हल्की फुल्की चली रही है, ड्रेसिंग मैंने साफ कर दी है अपनी, लेकिन मैं इसको आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी ड्रेसिंग साफ करके। और अलमीरा भी मैंने साफ करके और उसको भी लगा दिया है, वो किसी और ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। आज सिर्फ इसी ब्लॉग में यही चीज़ें शेयर करूंगी कि वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे जो है उद्यापन किया हम लोगों ने और कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। 7 लेडीज़ बुलाई हैं तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और आज डेट है 4th of October, तो चलिए देख लेते हैं, पहले किचन में चल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ बनाना है। किचन साफ़ करके रख चुकी हूँ और ये मैंने कद्दू लिया है, कद्दू काट के रख लिया है और धो के भी रख लिया है। ये 2 किलो कद्दू है, ये मैंने 5 टमाटर छोले की सब्ज़ी के लिए काट के रख लिए हैं और ये छोले मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे, लाइक 4-5 मैंने इसमें काली मिर्च, 2-3 लौंग और बड़ी इलायची, बस ये डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और ये आटा भी मैं लगा चुकी हूँ, पूरी का नमक, अजवाइन और मेथी डाल के, कसूरी मेथी। खीर के लिए चावल भिगो के रख दिए थे तो ये चावल भीग गए हैं और मुझे इसमें 2.5 किलो दिया, मैंने इसमें कुकर में, बड़े कुकर में डाल दिया। और खीर की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ। अब एक तरफ में चला रही हूँ छोले की सब्जी, जो मैं लहसुन प्याज की बनाई थी, तो इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया है भूजा डाला है और हिंग डाल दी है। अब इसके बाद इसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले और इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी, भूनूंगी इसको अच्छे से और उसके बाद इसमें ऐड करूंगी छोले। कद्दू बनाने के लिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है और उसके बाद जब तेल हो गया था तो मैंने उसमें थोड़ी सी सरसों और मेथी दाने डाल के और हींग डाल के जो है उसको छौंक दिया था। और अब ये कढ़ाई भी मुझे छोटी लग रही है और दूसरी बात, मैं इसमें क्या डालना भूल गई थी, मैं इसमें अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो अब मैं दूसरी कढ़ाई जो थोड़ी सी बड़ी है वो लेके और उसमें अदरक का पेस्ट डाल के ये कद्दू उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इसलिए मैंने कुकर भी दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद मैं कद्दू को अच्छे से पकाऊंगी और उसमें गुड़ डालूंगी क्योंकि खट्टा मीठा कद्दू बनाऊंगी। और इसमें हरी मिर्चें मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं लाल मिर्च डाल के। और इसमें बाकी मसाले भी मैं डालूंगी, हल्दी, धनिया, नमक सब डालूंगी और लास्ट में खटाई ऐड कर दूंगी। तो बस ये मेरा कद्दू भी ऐसे ही रेडी हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें चढ़ी हैं मेरी, खीर भी मैं साथ साथ चला रही हूँ, मैं मसाला भी साथ साथ चला रही हूँ छोले का, और इधर मैं कद्दू भी प्रिपेयर कर रही हूँ साथ में।
यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए छोला मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको हल्का सा सॉटे कर लिया है, तेल छोड़ दिया है बहुत अच्छे से मसाले ने। अब इसमें मैं थोड़ा सा छोले डाल के इसको चलाऊँगी। थोड़ा सा कुकर छोटा पड़ रहा है तो इसमें मैं 2-3 सीटी भी लगा दूँगी रसा ऐड करके। और इधर मेरा कद्दू भी पक गया है, अब इसमें मैं डालूँगी जैसे मैंने बताया था गुड़, और गुड़ डाल के मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी खटाई। अगर इसको आप थोड़ा सा तीखा रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। मैंने थोड़ा तीखा कम रखा था क्योंकि मेरे यहाँ तीखा जो है कम खाते हैं, तो मैंने इसलिए कम उसमें लगाया। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं जो खीर में ऐड करूँगी। तो मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है, तो ये खीर मेरी जो है बन चुकी है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें सिर्फ डालनी रह गई है चीनी, तो अब डालूँगी इसमें मैं चीनी। तो मैंने इसमें 4 से 5 जो ये गिलासी है वो डाली है इसमें, और इसमें मैं ऐड करूँगी ऊपर से हरा धनिया। और बस मेरी ये सब्जियाँ रेडी हो गई हैं और उसके बाद करेंगे तैयारी। मम्मी जी ने तो तैयारी स्टार्ट भी कर दी है, वो थोड़ी थोड़ी पूजा कर रही हैं बैठ के, उसके बाद मैं उनको ज्वाइन कर लूँगी। अविरल यहाँ पे अपनी मस्ती में था तो मैंने सोचा कि मैं उसकी वॉइस मैंने नहीं डाली है इसमें, क्योंकि पीछे जो है वो पूजा भी हो रही है, तो इसमें ये पता नहीं अपने क्ले का कुछ खेल रहा था और वही बता रहा था सब। मैंने दूंगी ताकि जब कभी देखेगा तो इसको अच्छा लगेगा देख के, तो बस यही करता रहा। उधर मम्मी जी ने जो है पूरी जो अपनी बुक पढ़ ली थी और उसके बाद वो मेरी वेट कर रही थी, तो मैं जा रही थी रेडी होने क्योंकि मुझे लगना था हल्का सा टाइम, क्योंकि मुझे पहननी थी साड़ी। और उसके बीच में मुझे याद आया कि मैं रायता बनाना भूल गई हूँ, तो मैंने फटाफट 5 मिनट में रायता बनाया, बूंदी का रायता मैं बनाया और उसके बाद मैं गई तैयार होने। तो खाना बन चुका है, मैं आ गई हूँ रूम में एंड अविरल ने पूरा सब बेड मेरा खोल खाल के इसमें से खिलौने निकाल लिए। आज उसको पूरा चांस मिला खेलने का, तो अभी मैं फ़िलहाल सब बाद में करूँगी और मैं सोच रही हूँ पहले रेडी हो जाती हूँ। 6 बज गए हैं तो मैं सोच रही हूँ पहले रेडी हो जाती पूजा करूँगी, सो मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। शायद ये वही साड़ी है जो मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा में पहनी थी, बस तैयार हुई हुई गिनी हुई साड़ियाँ हैं, तो बस जल्दी में जो मिली मैंने पहन ली और अब निकल रही हूँ बाहर। बाहर निकल के मैंने सबसे पहले जो है वो पढ़ी थी कथा, और मम्मी जी ने सारा सामान यहाँ पे रख दिया था, जो सुहागनों को जो देना होता है वो सब भी यहाँ रख दिया गया था। और मेन श्रीयंत्र होता है जो यहाँ रखा है, प्लस एक सोने की कोई चीज़ रख दी जाती है, और ये जो बिंदी का पैकेट है और ये मेहंदी का जो दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुहागनों को हम लोग बांटेंगे लास्ट में, तो यही उनका जो है प्रसाद होगा। वैभव लक्ष्मी की ये बुक है जो हम लोग कल ही लेके आए थे, और ये सिंदूर की डिबिया है साथ में, तो ये सब देंगे। पूजा हो चुकी थी, बस कथा मुझे पढ़नी थी, उसके बाद आरती करेंगे। तो ये मैं पास से दिखा रही हूँ वैभव लक्ष्मी की जो बुक है, और अब हम लोग करने वाले हैं आरती। तो हम लोगों को जो गाइड कर रही है वो मेरी फ्रेंड रानू है, इसने एक्चुअली 2 बार उद्यापन किया हुआ है वैभव लक्ष्मी का, तो इसी ने हमें बताया और काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो मैं आपको इसमें थोड़ा सा कवर करूँगी। लगाना है और भूख लगाते टाइम क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो ये सब चीज़ें उसी ने हमें बताई यहाँ पे। और भोग हमने खीर का लगाया था, खीर का ही मेन प्रसाद होता है और जो नारियल होता है, तो खीर उसके बाद जब यहाँ भोग लगा दिया जाता है लास्ट में, जब खाने में जो मेन खीर होती है उसमें वो प्रसाद मिला दिया जाता है, तो वो प्रसाद के रूप में सबको बट जाता है।
उसके भूल चुके थे क्षमा कर मांग लेना, हम बच्चे हैं तो हमसे गलती है, क्षमा कर। सभी के पास गोल्ड वाला नहीं होता है, तो आप लोगों को इसमें बुक के पीछे होता है, तो बुक के पीछे जैसे जो हार्ड बोर्ड होता है ना, तो लोग इसके ऊपर ये पेज पड़ा इजीली निकल जाता है, इजीली निकल जाता है, इसमें है भी ये, तुम खींचोगे निकल जाएगा। तो ये आप किसी हार्ड बोर्ड पर लगा दो, तो फिर पूजा में आप जैसे भगवान की फोटो होती है ना ऐसे लगा के रखो, और इन्हीं की पूजा होती है, और लक्ष्मी जी की फोटो तो होती ही है। अच्छा, इसमें अंदर किसकी फोटो बनी, शिव जी की ना? किस में? इसी के अंदर नहीं, माता जी की है, लक्ष्मी मैया की है। अच्छा, लक्ष्मी श्री अंदर लक्ष्मी जी कही तो है, ओम एम श्री। सात नहीं, मैं मिला के सात पर छह खड़े तो लोगों एक फल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग माई।